रखमर एम जी। तो वीवर्स ब्रेक के बाद हाज़िर हुआ हूँ ए के ऑफिशियल का होस्ट अली रफीक। तो वीवर्स हर जगह लोगों ने छोटी छोटी एलसीडियां बड़ी एलसीडियां लगा के मैच देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रेज़ है लोगों में और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान का मैच जो पाकिस्तान है ये मैच जीतेगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने छोटी एलसीडी लगाई हुई है, छोटी एलसीडी लगा के लोग मैच देख रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? नुमान चौधरी। अच्छा नुमान भाई, बताइएगा कि पहले तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की है, तो बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर बॉलिंग और बैटिंग जिस तरह से और फील्डिंग हो रही है, आप देखें गले बैठ गए हैं हमारे, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अभी तक हमने मैच के एक साइड जीत ली हुई है, इंशाल्लाह मैच पूरा जीतेंगे हम। ओ इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और उम्मीद है, दुआ करते हैं पाकिस्तान जीते। तो सर आप बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, बॉलर अभी तक कौन सा अच्छा चल रहा है? सर शताब, ऑसम, वेरी गुड। आप शताब की लेंथ ऑफ लाइन देखें, उसने जिस तरह से बॉलिंग की है और उसके ऊपर से जिस तरह से उसके कैचेस फील्डिंग हुई है, मैं कहता हूँ जबरदस्त, बहुत आला। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी क्राउड लगा हुआ है, हालांकि छोटी सी एलसीडी इन्होंने लगाई हुई है और क्राउड इधर बेतहाशा है क्योंकि लोगों को सिर्फ क्रेज़ है मैच का और मैच देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं। तो हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? क्या नाम भाई का? अदनान आकिब। अच्छा अदनान भाई, आप बॉलिंग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान ने बॉलिंग कैसी की है? पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ये क्रेडिट सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को जाता है, उसके बाद शताब भाई को। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो पिछले मैच में बॉलिंग की थी, आपने देखा पिछला मैच? हाँ जी देखा था। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे जो नामीबिया के साथ हुआ था? पूरे पाकिस्तान की टीम इस टाइम अपनी कारकर्दगी में अच्छी जा रही है, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो पहली आपकी टीमें जाती होती थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो सिर्फ जाती थी और नाकामी लेके वापस आ जाती थी, तो जो अभी की टीम जा गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्रेडिट किसे जाता है जो माशाल्लाह 5 के 5 मैच जीत चुकी है पाकिस्तान की टीम? ये क्रेडिट सिर्फ बाबर आजम साहब को जाता है, क्योंकि बाबर आजम की वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्योंकि अच्छा कप्तान भी और अच्छा बैट्समैन भी है, ये सारा क्रेडिट बाबर आजम पे है। सर आपने पाकिस्तान के सारे मैच जीत गए? बेहतरीन है। इंडिया का मैच देखा था? बहुत अच्छा, पाकिस्तान का बेहतरीन मैच इंडिया के साथ था। तो जो इंडिया के जो एक प्लेयर है हरभजन सिंह, उसने जो कहा था कि पाकिस्तान मैच खेलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वैसे ही हार जाना है तो हमें पॉइंट दे दें, जो हरभजन सिंह ने बकवास की थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इनकी बातों में हम नहीं आ सकते क्योंकि ये हमारे से डरते हैं, इनकी बातों से कुछ हमें फ़ायदा लेना नहीं है जी। तो बहुत शुक्रिया सर। चाहूँगा कि आज इंडिया देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से पाकिस्तान आज क्रिकेट की मैदान में फिर फतह लेके जा रहा है। क्रिकेट टीम आएगी और इज्जत से खेलेगी इंशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स आए हमारे साथ, लोगों से और बातचीत करते हैं कि लोग मैच के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या दिली राय है?
जी तो व्यूअर्स हमारे साथ एक और माशाल्लाह प्यारे भाई हमारे मौजूद हैं और माशाल्लाह सुन्नत रखी हुई है इन्होंने चेहरे पे, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है। तो यासिर साहब, आप मैच के हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि बॉलिंग पाकिस्तान की कैसी हो रही है? बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हर हाल में जीतेगा इस वक्त। और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल प्रेशर के अंदर है, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के पीछे रही है, पिछले मैच जीते, ये भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। तो सर, जो पाकिस्तान इतने माशाल्लाह मैच जीत के आई है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? इसका क्रेडिट तो सारी टीम को ही देंगे, जाहिर है कि ये ख़ास तौर पर जो कप्तान है इसके ऊपर देंगे, इसके बेहतरीन जो मैनेजमेंट है, इसने किस तरह भेजना है बैट्समैन को या बॉलिंग, उस हिसाब से क्रेडिट उसी। तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो सबसे जो अच्छा बॉलर चल रहा है वो कौन है आपके हवाले से? बॉलर मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन ये है कि सही बॉलिंग चल रही है। जय, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो विन करेगी, क्योंकि ये है कि बॉलिंग में काफ़ी गलतियां हो चुकी हैं। और अभी इस हवाले से हम लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे क्योंकि दो ओवर रह गए हैं और स्कोर बहुत ही कम रह गया, अभी जो है कैच एक छूट चुका है, तो इस कैच के हवाले से बातचीत कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखें लोगों का जोश, क्योंकि ये देखें लोग इतने माशाल्लाह पुरजोश हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच भी जीतेगा, और ये कह रहे हैं कि आउट होगा और इंशाल्लाह आउट ही हो। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं मरगजार कॉलोनी ई ब्लॉक बिग चॉइस हेयर सलून में, तो उनके जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक शुक्रिया। क्या नाम है? काशिफ अली। अच्छा काशिफ भाई, जो पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए पड़े हैं, देखें हमारे गले भी बैठ गए हैं, हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बॉलिंग कर रहे हैं, हमें बहुत जो है ना खुशी हो रही है कि विकेट मिले हमें और हम जल्द से जल्द मैच को फिनिश करें जीत। तो बैटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान ने बैटिंग कैसे की है? बैटिंग आज बहुत अच्छी थी, एंड पे जाके उन्होंने थोड़ा बहुत मिसिंग किया है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला शाहीन अफरीदी है ना, वो बेहतर कर लेगा। तो आप बैटिंग के हवाले से किस प्लेयर को क्रेडिट देना चाहते हैं कि आज उसने अच्छी बैटिंग की है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है? डेफिनेटली जी, देखें मादा जो है क्या कहते हैं यार उसको, रिजवान भाई, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, हम उसी को कहेंगे कि वही हमारा आने वाले वक्त का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। जी जी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी तो अभी हसन अली ने एक कैच छोड़ा है, और उस हवाले से भाई से बातचीत करते हैं। भाई, हसन अली ने कैच छोड़ा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बैड डे है, नावर सही कर सके, इतनी अहम विकेट थी जो इसने कैच छोड़ दी है, बाकी देखें आप किस्मत की बात है, क्या बनता है क्या नहीं। इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे यार चीज़, इंशाल्लाह दुआ करते हैं कुछ हमारे पीक में इस टाइम क्या करें, दुआ करते हैं पाकिस्तान मैच जीते इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे।